जमाल अहमद और मैं पिछले 35 से 40 साल डायबिटीज़ और एंडोक्रिनोलॉजी की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हूँ। इसके पहले मैं मेडिकल कॉलेज में एंडोक्रीन सेंटर का डायरेक्टर था और मैं जुलाई 2016 में एज ए डीन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन वहाँ से रिटायर हुआ हूँ। और मैंने तकरीबन 35 साल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स को पढ़ाया है। आजकल मैं पिछले 3 साल से रिटायरमेंट के बाद केलांगर के चौराहे पे एंडोक्रीन और डायबिटीज़ की आउटडोर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ या बहुत पहले इसको मधुमेह कहते थे, सुश्रुता ने कहा था, ये वो बीमारी है जिसमें शुगर लेवल का स्तर नॉर्मल शुगर लेवल की से ज़्यादा हो जाता है। और जब शुगर लेवल का स्तर ज़्यादा हो जाता है तो ये शुगर जो आदमी के बदन की छोटी छोटी सेल यानी ईंटें जिसे कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर इंटर हो जाता है। और चूंकि ये नॉर्मल से ज़्यादा शुगर है उस सेल के अंदर इंटर हो रही, तो इसकी वजह से जो नुकसान पूरे बॉडी को होता है वो इसकी वजह से होता है। सर, डायबिटीज़ किस वर्ग के लोगों को होता है? डायबिटीज़ बेसिकली तीन टाइप की डायबिटीज़ है। एक तो वो है जिसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, जो कम से कम 95% लोगों को इस कंट्री में है। दूसरा टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो 5-10% करीब लोगों में होती है, जो आमतौर से बच्चों को होती है, 8-9 साल या 6 महीने के बाद कभी भी किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है। और दूसरी डायबिटीज़ वो होती है जो प्रेगनेंसी में होती है, जिसको हम लोग कहते हैं जेस्टेशन डायबिटीज़। इंडिया में इस वक्त 7.5 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है और ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ है। और करीब 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं प्री डायबिटीज़, ये डायबिटीज़ नहीं है, जिनको नॉर्मल भी नहीं है। लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं जिनका शुगर का जो स्तर है नॉर्मल से ज़्यादा है लेकिन डायबिटीज़ के रेंज से कम होता है। और ये इस हमारे देश के लिए बहुत और सोसाइटी के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये वर्ग ऐसा है, अगर हम इस पर फोकस नहीं करेंगे तो इसमें से 50% लोग फ्यूचर में डायबिटीज़ के शिकार होंगे। डायबिटीज़ पहले हम लोग कहते थे कि शहरी बीमारी है, लेकिन शहर के साथ साथ अब गांव देहातों में भी ये बीमारी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। इसका मुख्य कारण है हमारी खान पान की शैली में बदलाव। हम अपने ट्रेडिशनल खाना हम लोग भूल गए हैं और जो सब्जियां या जो फल या जो अनाज हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें कितने केमिकल्स हैं, कोई कितने पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं, किसी गवर्नमेंट का कोई इस पर कंट्रोल नहीं है। हम ये नहीं मालूम जो हम फल खा रहे हैं उसमें कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, वो किस तरीके से हमारी बॉडी को नुकसान कर रहे हैं। तो बेसिकली एक तो ये वजह है कि हमारी जो खान पान की शैली है वो बदल गई। दूसरा, हम एक्सरसाइज नहीं करते। आज के ज़माने में आप अपने बच्चों को सिर्फ कह दिए चौराहे से जो 10 कदम की दूरी पे है कि ज़रा सा ब्रेड लेके आओ, तो वो पैदल नहीं जाएगा, वो मोटरसाइकिल से जाए या गाड़ी से जाएगा। तो एक्सरसाइज करना हमने बंद कर दिया। और थोड़ा सा दिमागी टेंशन ज़रूर है क्योंकि रहना और रहन सहन थोड़ा सा महंगा हो गया है। और जब आप देहात से गांव की तरफ मूव करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अर्बनाइजेशन, यानी शहर से ज़्यादातर लोग गांव से ज़्यादातर लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, तो ये भी एक स्ट्रेस है क्योंकि आप शहर में आ रहे हैं, आपकी लिविंग कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपकी डाइट चेंज हो जाएगी, आपकी एक्टिविटीज़ बदल जाएंगी। तो ये सब मेन वजह हैं। और दूसरी बात है कि हम लोग
जो हिंदुस्तान में है या एशिया में जितने लोग हैं, ये बाय बर्थ हम लोग को डायबिटीज़ होने का अंदेशा ज़्यादा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारी जन्म कुंडली ऐसी है जिसमें डायबिटीज़ के परसेंटेज ज़्यादा हो रही और होती रहेगी अगर हमने कोई ऐसा स्टेप नहीं किया कि जो अपनी जीवन शैली को बदल दें।